तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो मैंने एक कप से थोड़ा कम पानी लिया है और उसी कप से नज़र करके भर के एक कप बेसन लिया है। उसके बाद चार नींबू का रस लिया है, अगर नींबू बड़े हैं तो आप तीन ही लीजिए। हाफ चम्मच नमक और दो से ढाई चम्मच चीनी, साथ में आधा चम्मच हल्दी डाल के इसको दो मिनट अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आपस में मिल जाए। उसके बाद हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। बैटर में खटास थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैं इसमें एक और नींबू ऐड करने वाली हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से बैटर को खट्टा मीठा बना के उसके बाद इसमें इनो डालें। और जो एक कप से थोड़ा कम पानी लिया था हमने, उतना पानी जो कम था उसको बराबर करके उसमें जो इनो डाला हमने उसके ऊपर से उतना ही पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दो मिनट अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितना भी बेसन हमने डाला है ये जो झाग है और जो बबल्स बन रहे हैं ये सारे बेसन में अच्छे से ऊपर से नीचे मिक्स हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए मैंने पेपर को ग्रीस कर लिया था रिफाइंड ऑयल से और उसको बर्तन में लगा के और उसी के ऊपर से ये सारा बैटर डाल दिया है। और उसके बाद डबल बॉइलिंग प्रोसेस से इसको बॉईल कर लेंगे और ढक्कन के नीचे इस तरीके से मोटा कपड़ा लगा देना है ताकि जो भाप बनेगा ना तो उसकी बूंदें इस पर नहीं पड़ेंगी। उसके बाद हमें इस तरीके से नाइफ से चेक कर लेना है, नाइफ क्लीन आती है इसका मतलब वो पक चुका है, और नहीं तो आप उसको अच्छे से और पका सकते थोड़ी देर। मैंने इसको 10 मिनट लो फ्लेम पे, उसके बाद 15 मिनट हाई फ्लेम पे पकाया। तो ये देखिए कितना अच्छा स्पॉन्ज इसमें आया है और कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट है ये, खाने में भी उतना ही टेस्टी था। आप इसको खट्टा मीठा बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद इसका सिरप बना लेंगे। पानी में चीनी 4 चम्मच और आधा चम्मच नमक डाल दिया है, उसको घोल लेंगे। उसके बाद छौंकने के लिए इसमें कड़ी पत्ता और जो राई होती है उससे छौंक लेंगे और उसके बाद से वो सिरप इस पे डाल देंगे। और पहले इसको उबाल लेंगे, उबालने के बाद गैस ऑफ करके इसमें नींबू ऐड कर देंगे। तो एक नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद इस सिरप को हमें ढोकले के ऊपर इस तरीके से डालना है ताकि इसके अंदर सारा सिरप चला जाए और इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप जब इसे बनाएंगे तो आप बनाने से पहले ध्यान रखें कि इसके अंदर की जो खटास और मिठास है दोनों ऐसी होनी चाहिए जो आपको खाने पर बिल्कुल चटपटा लगे। तो ये देखिए मेरे पास आलू भुजिया थी तो मैंने इससे इसको गार्निश किया है। आपके पास जो भी सेब हो बेसन का उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और बस रेडी है ये 10 to 15 मिनट्स इसको पकने के बाद जो टाइम लगता है बस उतना ही टाइम है और उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं लगेगा। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर कोई इस रेसिपी से ट्राई कर रहा है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा आपका कैसा बना। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।